अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, अब चाहे जो भी कहे हमको जमाना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे साथ हम भी मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले आए देख दी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। ओम शांति। लेकिन धीरे धीरे जैसे कोई आवाज़ खींच रही थी, बुला रही थी, सोमवार का व्रत रहते थे, एक माताजी पास ही में रहती थी, तो वो हमारे यहाँ मीडिया पत्रिका देने आती थी, तो मम्मी एक बार उनसे कह रही थी कि आपकी पत्रिका में ये फ़ोटो बहुत आते हैं। वो समझाने लगी कि बहन जी ये फ़ोटो तो सेवा के लिए होते हैं, इससे प्रेरणाएँ आती हैं लोगों को। तो हम सोमवार का व्रत था, ऐसे ही व्रत में खाने से पहले ही बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे, तो हमने कहा माता जी आपके यहाँ क्या हम आ सकते हैं? तो मम्मी को बड़ा आश्चर्य लगा कि तुम्हारे पास टाइम कहाँ है, पहले कॉलेज है, फिर कोचिंग है, फिर घर है। तो बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये कहाँ जाएंगे, लेकिन हमने उनसे पूछा, उन्होंने बड़े प्यार से आंसर दिया, हाँ हाँ आप आ सकते हो। फिर जाना हुआ उनके यहाँ, लेकिन उन्होंने जो जो सुनाया वो कभी नया नहीं लगा, वो हमेशा ये लगा कि कुछ सुना हुआ है, कुछ पहले से कुछ सुना हुआ है। और धीरे धीरे दो तीन दिन ही हुआ था तो ऐसी खींच हुई अंदर से कि ऐसा लगे कोई खींच रहा है, मुझे कहाँ जाना है ये पता नहीं है लेकिन कोई खींच रहा है। कॉलेज जाने का मन नहीं हो रहा था, पूजा के कमरे में बैठे थे, फिर धीरे धीरे लगा कि कहाँ जाएं, तो कहा उनके यहाँ माता जी के यहाँ तो शाम को जाएंगे, और ये भी पता नहीं था कि वहीं जाने के लिए मन खींच रहा है, कहाँ जाने के लिए खींच रहा है। फिर ऑटो में बैठ करके कॉलेज गए, रास्ते में गीत बज रहा था, वो फिल्मी गीत था, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, ऐसा लगे जैसे कोई मेरे लिए ये गीत गा रहा है, बहुत अच्छा लगा। और शाम को जब उनके यहाँ गए तो धीरे 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 दिव्य अलौकिक अनुभव ऐसे धीरे धीरे बहुत होते गए, तो वो